फिर गाएगी उड़निया हवाली से। दिल्ली नगर निगम की उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, प्रत्याशियों के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरने शुरू हो गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद एवं अभिनेता रवि किशन ने शालीमार गांव में भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू एवं सैकड़ों समर्थकों के साथ पद यात्रा की। इस दौरान अभिनेता एवं सांसद रवि किशन को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान एक नुक्कड़ सभा में जब सांसद रवि किशन ने लोगों को संबोधित किया तो उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। लोगों की भारी भीड़ के बीच सांसद रवि किशन ने भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू के समर्थन के लिए लोगों से अपील की और उनके लिए वोट मांगे। आइए सुनते हैं इस दौरान सांसद रवि किशन और भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू ने लोगों से क्या कहा। मैं ये हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, क्योंकि इनकी माता जी कितनी बड़ी कार्यकर्ता थी, इनकी माता जी ने कितनी सेवा, पार्टी की सेवा की, जनता की सेवा की, 9 नंबर की सेवा की। आज उसी 9 नंबर में मैं आया हूँ, अब ये 7 नंबर हो गया है, जैसे ठाकुर जी बता रहे हैं। और यह काल की जिंदगी झंडवा, कितना लोग भोजपुरिया बा हमारे हाथ उठा के हाथ उठावा। यह कहा कि जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, जैसन सोच ले रहनी सावर, जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े। आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए हम एजा आ गई और हमके बहुत अच्छा लगा था कि हमारे पूर्वांचल का समाज एजा बा। हम गोरखपुर से खास अपनी दीदी के लिए आए हैं और हमको फिर अभी गोरखपुर जाना है, क्योंकि इनके दीदी के माता जी के लिए हम जब आए थे तो आप लोगों ने हमार बात मान लेला, और इनकी माता जी के जब प्रचार में हम यहाँ घूमे थे तो आप लोगों ने मेरा सम्मान रखा और आप लोगों ने जिताया, अब आप लोग दीदी को भी जिताया। सुरभि जाजू रेणू जाजू जी की बहू, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी माता ने 35 साल संगठन की सेवा करी और उनके जाने के बाद संगठन ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आकर सेवा कर सकूं। ये पूरा मेरा परिवार है, यहाँ के लोग मम्मी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। 35 सालों में जितनी सेवा उन्होंने आपकी करी है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे औपचारिकता की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों के बीच में आपसे आशीर्वाद और प्यार लेने आई हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि 28 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और मुझे अपना आशीर्वाद दें। वैलेट नंबर 1 है और कमल का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूं। जिस तरह से निगम के वार्ड के उपचुनाव में स्टार प्रचारक उतरने शुरू हो गए हैं, इस तरह से लगता है कि मुकाबला काफी अच्छा रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल कपड़े, दिल्ली। अनगिनत गाना दीदी आपके लिए, मेरी बहन जीतेगी।